अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, फहद इलेक्ट्रिकल टेक में खुश आमदीद। आज हम आपको दिखाएंगे कि ये एलईडी टीवी दीवार के साथ कैसे लगाते हैं। तो ये दोस्तों इसका स्टैंड है, इसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा दीवार के साथ लग जाएगा और दूसरा एलसीडी या एलईडी टीवी के पीछे लग जाएगा। ये वाला एलईडी जिसमें चार सुराख 8 सुराख है और ये 4 सुराख वाला जो है ना ये दीवार के साथ लग जाएगा। तो इसका ये ख्याल रखना है कि ये इसके ऊपर जो एक पतरी टेढ़ी की हुई है, इसके ऊपर भी एक पतरी टेढ़ी की हुई है, ये आप देख रहे हैं। इन दोनों को जो है ना ऐसे फिट करना है ताकि ये पतरी नीचे को ना जाए। ऐसे जब इसके इसमें डाल देंगे तो ये इस तरह इसकी जो है ना फिटिंग वो नीचे को नहीं जाने देगी इसको। अगर इसको टेढ़ा लगाएंगे तो वो एलसीडी आपकी नीचे को जाएगी और गिरने का भी खतरा होगा इसका। तो ये वाला हिस्सा जो है ना आप देख रहे हैं इसमें 8 सुराख हैं, ये टीवी के जो है ना एलईडी टीवी के पीछे लगाना है। और ये वाली साइड जो है ना ये ऊपर रखनी है। तो ये इसके पेच है, 4 पेच लगाने हैं ताकि मजबूती ज्यादा हो जाए इसकी। इसको अच्छी तरह चेक कर लेना ताकि पेज को लूज ना रह जाए। तो अब दोस्तों इसको दूसरा हिस्सा जो है ना उसको दीवार के साथ फिट करते हैं। तो जिस जगह का आपने इंतखाब करना है वो आपने देख लेना है कि ज़्यादा ऊपर ना हो। अगर ज़्यादा ऊपर हो जाएगी तो वो जो है ना पिक्चर सही तरीके से नज़र नहीं आएगी, तो इसलिए इसको जो है ना पहले चेक कर लेना है कि आप कौन सी जगह सूट करती है इसके लिए। तो इसका पहले निशान लगा लेना है, अगर आपके पास ड्रिल मशीन अवेलेबल नहीं है तो आप जो है ना स्टील के किल्लों के साथ भी लगा सकते हैं इसको, छोटे इंची के किल्ले उसके साथ भी लग जाएगी अगर आपके पास ड्रिल मशीन अवेलेबल नहीं है तो।
इसको अच्छी तरह चेक कर लेना है ताकि फिटिंग इसकी अगर वो स्टैंड आपस में बैठ गया है, इसको मुकम्मल तरह चेक कर लेना है। बाज़ दफ़ा स्टैंड नहीं लगता, एक साइड लगती है तो वो नीचे गिर सकती है, आपका नुकसान हो सकता है, इसलिए इसको ऊपर से जो देखना है कि अगर सही तरीके से फिट हो गई है तो आप मुतमिन हो जाएंगे। ये बिल्कुल ओके फिट हो गई है, इस तरह हिलाकर चेक कर लेना ताकि नीचे ना गिरे, बिल्कुल ओके फिट हो गई है। तो हमारी वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कर लें।